नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग चैप्टर नंबर 53 एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट बहुत ही छोटा सा चैप्टर है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की वीडियो अगर आप देख चुके हैं चैप्टर चैप्टर नंबर नंबर 52 तो 53 आपके लिए हलवा है यहाँ पे अपॉइंटमेंट एंड एंड टर्म ड्यूटीज देखेंगे और ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है ड्यूटीज ऑफ फंक्शन ऑफ एडवोकेट जनरल इन स्टेट जो कि सेंटर में एडवोकेट जनरल जो की सेंटर में अटोर्नी जनरल की है तो संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो एडवोकेट जनरल की बात करता है तो आर्टिकल वन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ये बोलता है कि एडवोकेट जनरल एंड हीस्ट लॉ ऑफिसर इन जिस तरीके से जनरल सेंटर में में है उस तरीके से स्टेट में क्या है एडवोकेट जनरल है एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करेगा तो भैया एडवोकेट जनरल एडवोकेट जनरल गवर्नर इसको अपॉइंट करेगा क्या क्वालिफिकेशंस है अगर आपको एडवोकेट जनरल बनना है अगर आपको एडवोकेट जनरल बनना है

हर स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो वहां की जुडिशरी रिक्रूटमेंट होता है तो अगर आप जुडिशियल एलिजिबल हो ठीक तो है तो भाई आप एक जुडिशियल ऑफिस में हो दस साल के लिए या फिर आप हाई कोर्ट में दस साल के लिए काम कर रखा हो और आप सिटीजन भी होने चाहिए इंडिया के लिए यहां देखिए एमिनेंट वाला क्लॉज नहीं आया आप एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो

ऑफिस रखता है एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर का मतलब क्या होता है कि गवर्नर किसी भी समय पे एडवोकेट जनरल को हटा सकता है ठीक है ना अगर एडवोकेट जनरल खुद हटना चाहे तो वो अपना रेजिग्नेशन एड्रेस कर सकता है टू द गवर्नर फिर से बीच में आपको थोड़ा गैप मारूंगा बोलना जरूरी होता है लाइक बटन नहीं दबाया हो तो बिल्कुल दबा दो शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नहीं किया है तो शेयर तो बिल्कुल ही कर दो कमेंट कर दीजिए दोस्तों एंगेजमेंट बढ़ जाता है चैनल का थैंक यू उसके बाद बात करते हैं कि भाई गवर्नर किसी भी समय पे हटा सकता है एडवोकेट जनरल को एडवोकेट जनरल खुद भी रिजाइन कर सकता है अपना रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करेगा गवर्नर को एड्रेस करेगा और जैसा कि मैंने आपको सेंटर में बताया था क्योंकि गवर्नर अपॉइंट कर रहा है एडवोकेट जनरल को तो गवर्नर अपने मन मुताबिक तो अपॉइंट नहीं कर रहा है अरे पीछे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर बोलेंगे गवर्नर को कि भाई इस गवर्नर को इस एडवोकेट जनरल को रखो इस एडवोकेट जनरल को हटाओ तो भाई एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड चीफ मिनिस्टर ये बोल रहे हैं गवर्नर को कि इस पर्सन को एडवोकेट जनरल बना दो पर्सन को एडवोकेट जनरल बना दिया जा रहा है तो एक बार सरकार गिर गई चाहे वो सरकार पांच साल के बाद गिरे या फिर बीच में नो कॉन्फिडेंस मोशन से गिर जाए सरकार गिरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हट गए रिप्लेस हो गए तो भाई एडवोकेट जनरल भी रिजाइन कर देता है संविधान में भले ही एडवोकेट जनरल के लिए आर्टिकल एक लेकिन संविधान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि एडवोकेट जनरल को कितनी तनखा दी जाएगी जितना भी गवर्नर को सही लगेगा उतनी तनखा एडवोकेट जनरल को दी जा सकती है में भी भी आती भी आ सकते हैं तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का गवर्नर ये डिसाइड करे कि भाई एक एडवोकेट जनरल को हम लोग महीने की डेढ़ लाख रुपए तनखा करेंगे देंगे और आसाम का गवर्नर डिसाइड करे कि हम अपने एडवोकेट जनरल को साढ़े तीन लाख रुपए महीने की तनखा देंगे तो एडवोकेट जनरल की जो पर्स प्रिविलेज सैलरीज है ना वो स्टेट बाय स्टेट बहुत वेरी कर सकते हैं ये डिपेंड करता है उस स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट पे कि वो कितनी तनखा देना चाहते हैं फिर बात करते हैं भाई ड्यूटीज एंड की देखिए भैया ही इज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट तो अगर वो चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट है तो किसी राज्य की सरकार अगर किसी लीगल इशू में इन्वॉल्व है तो भाई वो लीगल इशू के रिस्पेक्ट में राज्य की सरकार किससे बात करेगी तो ऑब्वियस बात है एडवोकेट जनरल से बात करेगी ठीक है भाई तो एडवोकेट जनरल लीगल इश्यूज में राज्य की सरकार को एडवाइस देता है फिर राज्य की सरकार अगर एडवोकेट जनरल से बोलती कि भाई ये जो लीगल ऑफ द गवर्नर देखिए मतलब गवर्नर और गवर्नर के पीछे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगा किसको कि भाई ये एडवाइस करेगा एडवोकेट जनरल को एडवोकेट जनरल को बोलेगा कि भैया ये लीगल ड्यूटीज हैं इस स्टेट गवर्नमेंट की

जब स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी तो अगर यूनिक कैमरा लेजिस्लेचर है या बाई कैमरा लेजिस्लेचर जितने भी उसके हाउस है तो स्टेट लेजिस्लेचर में बैठ सकता है एडवोकेट जनरल स्टेट लेजिस्लेचर में ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट जवाब दे सकता है अपोजिशन को बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर में एडवोकेट जनरल को बिठाने की वजह क्या है सरकार को क्रिटिसाइज करता है अपोजिशन सरकार क्या काम कर रही है स्टेट लेजिस्लेचर में ये सब बाय हिज ओन आइस एडवोकेट जनरल को देखना चाहिए क्योंकि एडवोकेट जनरल

अगर आप बात करो अटॉर्नी जनरल की तो अटॉर्नी जनरल आता है अंडर आर्टिकल 176 एक बार मैं यहां पे पेन ऑन कर दूं तो थोड़ा और समझा पाऊंगा तो अटॉर्नी जनरल आता है अंडर आर्टिकल 76 एडवोकेट जनरल आता है अंडर आर्टिकल 165 इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है लमसम 89 ठीक है भाई तो अगर आप 76 में 89 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 165 ठीक है तो

88. अभी 88 में तो एडवोकेट तो जनरल तो हो गया कुछ खास था नहीं कुछ अब ये जो पूरा का पूरा पार्ट है लक्ष्मीकांत के अंदर तो ये खत्म हो रहा है तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल वन फोर्टी जनरल ऑफ इंडिया खत्म हो चुका है आर्टिकल एक सौ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट खत्म हो चुका है 243 स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर चुके हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात कर सकते हैं के आर्टिकल 243 जेड डी के अंदर आता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आर्टिकल 243 जेड ई के अंदर आता है प्लानिंग कमेटी आर्टिकल 263 के अंदर आता है इंटर स्टेट काउंसर्टिकल टू सेवेंटी ए के अंदर आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल आर्टिकल दो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल तीन इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन आर्टिकल तीन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल तीन चौबीस इलेक्शन कमीशन आर्टिकल तीन सौ अड़तीस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल तीन सौ अड़तीस ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स आर्टिकल तीन सौ अड़तीस बी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस थ्री थर्टी नाइन शेड्यूल्ड ट्राइब्स शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन तीन सौ चालीस बैकवर्ड क्लासेस कमीशन तीन सौ चवालीस ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी ऑफ पार्लियामेंट तीन सौ पचास बी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आपको पता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स पढ़ता नहीं हूँ बट मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं जो कि इंपॉर्टेंट है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स पार्ट एट शुरू करेंगे लक्ष्मीकांत की किताब का नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अगली वीडियो में नीति आयोग के साथ आपको मिलूंगा थैंक यू फॉर हैव वॉचिंग्रेट डेड